हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रांशु आज फिर आ गया हूँ एक नए नेम रिएक्शन के साथ, जो है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। बहुत लोग इसको हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन भी पढ़ते हैं, दोनों सही है अपनी जगह पे, ठीक है। देखो, इस रिएक्शन में क्या होता है, अमाइड का कन्वर्जन होता है अमीन में। कैसे अमीन में? 1 डिग्री अमीन में, मतलब प्राइमरी अमीन में। किसी भी अमाइड ग्रुप को अगर मैं अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ बाय यूजिंग ब्रोमीन, KOH या NaOH भी यहाँ पे ले सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे आप लोग NaOH भी ले सकते हो, मतलब बेस होना चाहिए बेसिकली, और इसको हीट कर दो तो हमको क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। इस रिएक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं प्राइमरी अमीन्स के फॉर्मेशन के लिए। मतलब अगर आप लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जाओगे कि प्राइमरी अमीन्स या फिर अमीन्स का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो उसमें आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन मिलेगा, जिससे कि हम लोग प्राइमरी अमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा, मिक्स्ड अमीन्स का भी प्रिपरेशन होता है, लेकिन उसके लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। इसीलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हमको प्योर 1 डिग्री अमीन मिल जाएगा, ठीक है। कोई मिक्स्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता है इसमें, और ये बाय प्रोडक्ट्स हैं Na2CO3, NaBr और H2O। देखो, ये मैंने बता दिया कि 1 डिग्री अमीन प्राइमरी अमीन्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन को। इसमें ये जो CuNH2 ग्रुप है, ये पूरा कन्वर्ट हो जाता है NH2 ग्रुप में। मतलब ये अमाइड ग्रुप अमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आप लोग ध्यान दे तो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, यानी रिमूवल ऑफ कार्बोनिल ग्रुप हमको एक तरह से देखने को मिल रहा है कि रिएक्टेंट साइड में भैया यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप था, लेकिन यहाँ पे कोई कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, यानी एक कार्बन एटम क्या हो गया, लेस हो गया है। अगर आप लोग देखोगे अमाइड में, यहाँ पे देखो ये एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम होंगे उतने ही कार्बन एटम यहाँ पे भी हैं, लेकिन NH2 ग्रुप सेम है और यहाँ पर एक कार्बन एटम देखो लेस हो गया है। तो ये पॉइंट भी दिमाग में रखना कि यहाँ पे एक कार्बन एटम लेस हो जाता है। देखो, बहुत ढेर सारे जगहों पे इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है डिफरेंट वेज में, मतलब मैकेनिज्म तो एक ही होता है रिएक्शन का, लेकिन कई जगहों पे शॉर्ट वे में दिया हुआ है, कई जगहों में इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है, लेकिन इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म, आखिर रिएक्शन हो कैसे रहा है, प्रोसीड कैसे हो रहा है, सेटिस्फैक्ट्री मैकेनिज्म अगर कह लो तो मुश्किल है। लेकिन आज मैं वैसा ही एक मैकेनिज्म देने वाला हूँ जो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही सही मैकेनिज्म है वो। देखो, इसके ऊपर पहले मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका। मान लो R ग्रुप को मैंने चेंज कर दिया CH3 से, तो हमारे पास क्या बनेगा, ये देखो CH3 सी डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम है एसिटामाइड। क्या है बेटा, एसिटामाइड, ठीक है ना, ये एक अमाइड है। इसका मैंने रिएक्शन कराया ब्रोमीन के साथ और बेस ले लिया हमने, मान लो KOH ही ले लिया, ठीक है ना, मान लो KOH हमने बेस ले लिया, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे ध्यान नहीं देते अगर, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3। ये वाला ग्रुप हमको खाली हटा देना है, ये वाला ग्रुप हमको खाली हटा देना है, काम खत्म, NH2। ये हो जाएगा मिथाइल अमीन। क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीन, जो कि 1 डिग्री अमीन है। क्या है, 1 डिग्री है, मतलब प्राइमरी है। अब इसमें आप लोग अपना बाय प्रोडक्ट लगा सकते हो, यहाँ पे स्टोइकोमेट्री मैंने नहीं देखा है, तो आप लोग K2SO3 प्लस वाटर वगैरह ऐड कर लो। देखो वहाँ पे NaBr भी दिया हुआ है, NaBr भी अलग ऐड कर लो, ठीक है। तो ले देखिए, आपको खाली इतने से मतलब है कि अमाइड का कन्वर्जन आपने करा दिया है अमीन में। आप नाम से भी याद कर सकते हो ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड। ब्रोमामाइड का मतलब ब्रोमीन के प्रेजेंस में हो रहा है ये, और अमाइड ग्रुप भी रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए, ठीक है, ब्रोमामाइड। अगर आप लोग इसका कंबाइंड नेमिंग भी देखोगे तो उसके मैकेनिज्म में आता है एन ब्रोमामाइड। एक बार मैकेनिज्म में इसके जाओगे तो एन ब्रोमामाइड भी बीच में बनता है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर कि आखिर इसका मैकेनिज्म है क्या, ठीक है। देखो, बहुत ही खूबसूरत मैकेनिज्म है इसका। तो ये रहा मैकेनिज्म, पहले तो हमको लेना पड़ेगा अपना सब्सट्रेट मॉलिक्यूल, जो कि है हमारे पास अमाइड, ये RC डबल बॉन्ड O
NHH, ठीक है, ऐसे है। ये हमारे पास क्या है, अमाइड है। अब आप लोग को पता होगा। अच्छा देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, मतलब मैकेनिज्म के थोड़ा सा, अभी मैकेनिज्म को छोड़ देते हैं, अगर मैं इस रिएक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, तो ये कैसे लिखाएगा। ये अमाइड है हमारे पास, इस अमाइड का मैंने ट्रीटमेंट किया पहला X2 के साथ। X2 यहाँ पे हमारा हो सकता है Cl2 या हो सकता है हमारे पास Br2, ठीक है ना, दोनों ही हो सकता है हमारे पास, Cl या Br, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरे फॉर्म में मैं लूँगा बेस, मतलब पहले हमको X2 ऐड करना है, मतलब Cl2 या Br2 ब्रोमीन ऐड करना है, ठीक है ना, ब्रोमीन ऐड करना है, क्योंकि ब्रोमामाइड बोल रहे हैं, तो Br यहाँ पे हमारे पास प्रेफरेंस देंगे, यहाँ पे Br2 हो जाएगा। और कोई बेस ले सकते हैं, बेस हमारा हो सकता है मान लो KOH हो गया, बेस के रूप में यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, KOH भी ले सकते हैं, NaOH भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी बेस चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पर और क्या लोगे आप लोग, H2O ले लो, वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वर्कअप वगैरह कराने के लिए भी काम देगा। और यहाँ पे H2O का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी देखने को मिलता है, तो ये भी ले सकते हो। और यहाँ पे आखिरी में हीटअप कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल के जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास RNH2, ये मिल जाएगा हमको, ठीक है, यानी 1 डिग्री अमीन मिला। तो ये था स्टैंडर्ड फॉर्म में रिएक्शन को कैसे लिखा जाए। ये क्या था, रिएक्शन ही था हमारे पास, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिखा। मतलब इस रिएक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, पहला तो सब्सट्रेट मॉलिक्यूल अमाइड, जिसका कन्वर्जन होता है अमीन में, 1 डिग्री अमीन में। और यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरीन नहीं, क्योंकि ब्रोमामाइड बोल रहे हैं तो ब्रोमीन को हम लोग ज़्यादा बोलेंगे, कि यहाँ पे Br2 लेते हैं। X2 की जगह मैं अगर Br2 लिखूँ तो भी सही है, ठीक है ना, Br2। और बेस लेते हैं, यहाँ पे बेस हम लोग ले सकते हैं KOH या NaOH, जो कि हमारा OH- आयंस दे, OH- आयंस से हमको मतलब है, ठीक है ना, जो कि बेस का काम करे। H2O वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पर हीट कर देना है, तो हमारे पास अमीन बन जाएगा। अब चलते हैं मैकेनिज्म के ऊपर, देखो यहाँ पर मैकेनिज्म, और ये सब मैंने क्यों बताया आपको, मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे OH- आयन मैंने इसे क्यों लिखा था, ठीक है। देखो मैकेनिज्म के ऊपर, मैकेनिज्म सबसे पहले हमको लेना है अपना वही पैरामाइड, ये आ गया हमारे पास अमाइड ग्रुप, ठीक है, ये है अमाइड। अब इस अमाइड का हमको ट्रीटमेंट करना है, जो हमने बेस लिया था यहाँ पे, याद करो हमने क्या लिया था रिएक्टेंट में, बेस भी लिया था। तो यहाँ पे हमारे पास बेस के रूप में आएगा OH- आयन जो कि KOH या NaOH से आया था, तो क्या करेगा, सिंपली आएगा इस वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H+ के फॉर्म में यहाँ से निकाल लेगा। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, बेस का काम क्या होता है, H+ को निकालना। तो ये H+ को अगर निकालेगा तो ये OH- और H+ मिल क्या बनाएंगे, H2O बना देंगे। तो यहीं से अगर मैं माइनस लिखता हूँ -H2O, इसका मतलब इस वाले मॉलिक्यूल में से H2O निकल जा रहा है, ठीक है। तो H2O निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड देखो कैसे ब्रेक होगा, ये सॉरी ऐसे ब्रेक नहीं होगा, ये वाला बॉन्ड, ये इसको ऐसे लिया, ठीक है, H+ को निकाला, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, और ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी बिगड़ने लगती है। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, अब यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा N, और ये रहा H, सही है, ये एक तरह से कह लो एनायन है, कोई एनायनिक स्पीसीज है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है इसलिए ये बना। अब हमारा आता है Br2, जो कि हम Br2 को ऐसे लिखेंगे Br, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक करेगा, ठीक है ना, इस वाले ब्रोमीन के ऊपर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा। क्यों ऐसा हुआ, ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे लेकर निकला, मतलब ये नाइट्रोजन वाला बॉन्ड इससे बनेगा और यहाँ पे क्या आएगा, एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स दोनों उतर जाएंगे नीचे, तब क्या बनेगा हमारे पास, देखो RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N, ये H तो वैसे ही रहेगा, और इसने ब्रोमीन के साथ क्या कर लिया है, बॉन्ड बना लिया है, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है, Br- का रिमूवल हो रहा है, ये वाला Br-, ठीक है ना, इसलिए -- Br- लिखा है, इतना हुआ। इसी को बोलते हैं एन ब्रोमामाइड, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन है और ये अमाइड ग्रुप है, तो एन ब्रोमामाइड, ठीक है, इसका नाम क्या देगा, एन ब्रोमामाइड,
इसलिए भी इसका नाम पड़ा है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अमाइड हो गया, एनायन हो गया, ब्रोमाइड बन गया। अब ब्रोमामाइड के साथ क्या होता है, फिर से हमारे पास जो बेस है, हमने देखो यहाँ पे लिखा था 4 times of NaOH, मतलब एक्सेस में ले रहे थे बेस को, तो यहाँ पे बेस हमारे पास ढेर सारे हैं, तो बेस क्या करेगा, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में लिखता हूँ उसको, ये एन ब्रोमामाइड। बेस हमारे पास क्या है, एक्सेस में है, तो बेस ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, तो मैंने फिर से एक OH- का मॉलिक्यूल लिया, वो यहाँ पे अटैक किया और दोनों बॉन्ड ऐसे टूट गए, फिर से ये बॉन्ड ऐसे ऊपर चला गया, सही है। अब किसका फॉर्मेशन होगा, देखो ध्यान से, अब किसका फॉर्मेशन होगा, आर सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस डबल बॉन्ड एन और यहाँ पर बी आर, ठीक है, ये आया, सही है। अब क्या होगा, ये स्पीसीज बन गई, यहाँ पर भी देखो एक एनायनिक स्पीसीज टाइप का बना हुआ है एन ब्रोमामाइड से, यहाँ पे ये फिर से बेस का काम किया है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे मेन बात आती है हॉफमैन ब्रोमाइड में कि रीअरेंजमेंट होता है, किसका होता है, रीअरेंजमेंट होता है इस आर ग्रुप का, ये जो आर ग्रुप है ये यहाँ पर नाइट्रोजन के पास चला जाता है, मतलब कुछ इस प्रकार से रीअरेंजमेंट होता है। देखो मैं इसको ब्लैक मार्कर से दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और यहीं पे लोग गड़बड़ करते हैं। ये वाला ऐसे आएगा, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपना ऐसे गिराया, उसी टाइम पर ये आर वाला ग्रुप इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेट कर जाता है, क्या करता है, माइग्रेट कर जाता है। तो देखो आखिरी में हमारे पास क्या बनता है, जब ऐसा हुआ, मतलब रीअरेंजमेंट हुआ, यहाँ पे रीअरेंजमेंट हुआ, या फिर आप लोग बोल सकते हो माइग्रेशन ऑफ दिस अल्काइल ग्रुप ऑन दिस नाइट्रोजन एटम, तो क्या हुआ, उस समय हमारे पास ये स्पीसीज बनी, आर नहीं होगा, पहले मैं इस ऑक्सीजन को लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ऑक्सीजन, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ बिगड़ा है तो डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा, ये कार्बन एटम आएगा, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन था ही, और नीचे क्या लग जाएगा, आर अल्काइल ग्रुप वाला यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये बी आर, सही है, हाँ सही है। वेट अ मिनट, बी आर नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे देखो 2, 2, 4, 1, 5 और ये एक इलेक्ट्रॉन और आ रहा है, तो यानी ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा, ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की पेंटावेलेंसी से ऊपर जा रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं बी आर को इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे डबल लोन पेयर बना रहा हूँ और यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप आर, सही है। अब देखो 2, 2, 4, 1, 5 अब सही है, सही है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइसोसाइनेट, क्या बोलते हैं, आइसोसाइनेट बोलते हैं, आइसोसाइनेट, ये हमारे पास आया आइसोसाइनेट। अब इस आइसोसाइनेट का हमको फर्दर यूज़ करना है, मतलब यहाँ पर हमने क्या लिखा था एरो के ऊपर, याद करो रिएक्शन के लिखते समय, कि बी आर टू लेते हैं, के ओ एच लेते हैं, मतलब बेस लेते हैं कोई, और एस टू ओ लेते हैं, तो एस टू ओ का क्या रोल है यहाँ पे, देखो एस टू ओ यहाँ पर पहले तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, उसके बाद बेस का भी काम करेगा, ठीक है, मतलब एस टू ओ का पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होता है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लें, आइसोसाइनेट तक हमने बताया था, अब आइसोसाइनेट से मैं इरेज कर रहा हूँ उसको, ठीक है ना। अब देखो चल रहा है वापस से, मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा है इसलिए हमको स्पेस की ज़रूरत पड़ रही है। ये आइसोसाइनेट तक बन गया है, अब देखो आइसोसाइनेट के आगे क्या होगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन, ये रहा आर, ये रहा लोन पेयर, ठीक है। अब इस आइसोसाइनेट पर हमारे पास H2O मॉलिक्यूल आता है, क्या आता है, H2O मॉलिक्यूल, अपना लोन पेयर लेके आता है H2O। अब यहाँ पे जो वाटर है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, जो कि इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अपना लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा, ठीक है ना, डोनेट कर देगा। तो देखो क्या होगा, यही आइसोसाइनेट के ऊपर क्या हो जाएगा, जैसे इसने दिया तो यहाँ पर क्या बना, इसके देते ही ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर गया, तो ब्रेक करने से क्या हुआ, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, एक निगेटिव चार्ज आया, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन तो था ही आर, और यहाँ पर आया ओ एच एच और ये पॉजिटिव चार्ज, सही है, लोन पेयर दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हुआ। ये बनने के बाद अब देखो यहाँ पर एक अनदर वाटर मॉलिक्यूल आएगा, ये वाला,
ठीक है, लेकिन अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा, अब ये बेस का तरफ बिहेव करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो वाटर का क्या हुआ, एडिशन हो गया इस मॉलिक्यूल पे, आइसोसाइनेट पे क्या हुआ, वाटर का एडिशन हुआ जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पर बेस का काम करेगा वही वाटर मॉलिक्यूल, और देखो इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये वाला बॉन्ड कैसे टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा, सही है। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, ओ के ऊपर माइनस रहेगा ये, अभी सी डबल बॉन्ड एन, ये आर, ये रहा लोन पेयर, ठीक है, ये ओ, ये एच, सही है। तो ठीक है, और हमारे पास देखो एक और चीज़ बन रहा है, ये वाला भी प्रोडक्ट हम दिखा दे रहे तुमको, यहाँ पर ये बन रहा है एच ओ एच एच, यहाँ पे पॉजिटिव ये बन रहा है H3O पॉजिटिव, अगर ये इसको निकालेगा तो, ठीक है, यहाँ तक बना। अब इसके बाद क्या होता है, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, ये वाला जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। कैसे करता है, देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे ले जा करके इसके ऊपर पटक देता है, ठीक है ना। देखो मैंने एरो ऐसे बनाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन को छोड़ करके नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के इसके साथ बॉन्डिंग बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कम होने लगेगी, जिसको कंपनसेट करने के लिए अपना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे गिराएगा, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे ऊपर अगर मैं आर लगा दे रहा हूँ, ये लोन पेयर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना लेगा, नाइट्रोजन ही क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पर ओ एच तो वैसे का वैसे ही रहेगा, सही है, इतना बना। ये हमारे पास एक खास स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है कार्बेमिक एसिड, क्या नाम है इसका, कार्बेमिक एसिड। इसको एसिड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पर आपके पास COOH ग्रुप लग गया है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग गया है, और यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप भी लगा हुआ है, इसलिए कार्बेमिक एसिड इसका नाम हो गया है, ठीक है ना। अब ये कार्बेमिक एसिड बना, अब इस कार्बेमिक एसिड में से हमको कैसे भी करके एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप निकालोगे आपको प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। अब देखो कैसे इसको निकालते हैं हम लोग, हमको तो इससे दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हम फिर से स्पेस क्रिएट करेंगे अपने कार्बेमिक एसिड के लिए, ठीक है, यहाँ तक बना लियो। अभी देखो और कार्बेमिक एसिड का हमको फिर से बनाना पड़ेगा, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड कार्बन ओ एच, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन आर, और ये रहा एच, ठीक है, ये इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये हमारे पास हुआ कार्बेमिक एसिड, और यहाँ पे मैं एक अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बेमिक एसिड ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये एक मॉलिक्यूल हुआ, और ऐसे ढेर सारे बने होंगे रिएक्शन मिक्सचर में कार्बेमिक एसिड, तो मैं और ले रहा हूँ, ठीक है ना। देखो डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ ये एच, और सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन आर एच, ये रहा, ठीक है। तो हमने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए कार्बेमिक एसिड के। ये नाइट्रोजन करता क्या है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल करके यहाँ से हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन करता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गिर जाते हैं, ठीक है, और उसी टाइम पे ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होता है, ठीक है, मतलब ये बॉन्डिंग का ऐसे शिफ्टिंग होता है। तो देखो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, यहाँ पर आते ही मतलब यहाँ से हाइड्रोजन इसने लिया नाइट्रोजन ने, तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन ये ओ एच वैसा का वैसा ही रहेगा, और यहाँ पर एन ये आर, यहाँ पर एच, ये वाला देखो इसने ऐसे दिया एच को जोड़ लिया अपने में, तो ये रहा एच, और नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन दिए थे तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सही है। ये वाला कंपाउंड जो कि हमारा कार्बेमिक एसिड है, जो कि हमारे पास कार्बेमिक एसिड है, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, और ये भी कार्बेमिक एसिड है, ठीक है ना। अब देखो इसका कन्वर्जन किस में होता है, इसने क्या किया है, अपना हाइड्रोजन लॉस किया है, तो इसका कन्वर्जन देखो यहाँ पे दिया है, ओ के ऊपर माइनस चार्ज आएगा सिंगल बॉन्ड कार्बन, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये रहा एन आर एच, और ये डबल लोन पेयर, ठीक है, ये आया। अब ये कंपाउंड भी रुकता नहीं है, ये इस वाले कंपाउंड के ये वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, अपना लोन पेयर ऐसे दिया, ठीक है ना, इस वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्शन किया यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, और ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट गया, सही है।
ऐसे होते ही यहाँ पर क्या बनेगा, देखो इसको मैं इरेज कर दूँ, मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल लगभग लगभग सेम है, दिखा रहे कैसे है, लगभग लगभग क्या, दोनों सेम ही हैं। अगर इस वाले को आप लोग यहाँ पर बना रहे हो तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का इससे गिरा हुआ है, ओके ऊपर माइनस, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये आर, ये एच, ये एच, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे दोनों बॉन्ड्स ऐसे गिर रहे हैं तो डबल बॉन्ड ओ आएगा। और अगर इस वाले को देख रहे हो आप तो भी यही स्ट्रक्चर मिलेगा, देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, सेम है, ठीक है, मतलब इसने अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाया तो ले देखिए यही स्ट्रक्चर बनेगा, दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा, सही है। ये आने के बाद एक सिंपल सा आपको स्टेप करना है, क्या करना है, वो इस वाले दोनों मतलब नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर गिराना है और ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेकिंग के बाद क्या बनेगा, देखो पहला तो हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो N और यहाँ पे आएगा R H H। अब अगर आप लोग ध्यान से देखो इस बात को तो ये क्या है, नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये CO2 ही है। और ये क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, ये क्या है, अमीन है, RNH2, ये क्या है, RNH2 ही तो है, दैट इज़ वन डिग्री अमीन, वन डिग्री अमीन, यानी कार्बेमिक एसिड में से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अगर निकाल दिया तो हमारे पास वन डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये था इसका पूरा मैकेनिज्म कि कैसे हमने अमाइड ग्रुप एज अ सब्सट्रेट लिया और उससे कन्वर्जन कर दिया वन डिग्री अमीन।